नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर ग्वालियर पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा की जाएगी आज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की तैयारियां शुरू, शिवरात्रि को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नागपुर के फुटाला झील में आयोजित म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो में शामिल हुए अमित शाह। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के एमपी एमएलए के साथ की मीटिंग। सीरिया में बीते एक साल में सबसे घातक हमला, 53 लोगों की मौत, आईएसआईएस पर आरोप। 840 विमान खरीदेगा एयर इंडिया, दुनिया के हर प्रमुख शहर से जुड़ेगा भारत। अदानी मामले में केंद्र को झटका, सुको का सील बंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम लेने से इनकार। ग्वालियर पहुंचे 12 अफ्रीकी चीते, MI-17 हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा पुनो नेशनल पार्क। और कार्तिक आर्यन की शहजादा को टिकट पर स्पेशल ऑफर के बावजूद नहीं मिल रही है बड़ी ओपनिंग, पठान का जलवा है अब भी बरकरार।